नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेक्टोर स्पेशल एपिसोड में। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ लेटेस्ट अपडेट, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे जो पहला अपडेट है वो है फेसबुक की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, फेसबुक ने अपना नया वर्जन लॉन्च करा है जिसका नाम है फेसबुक स्पेसिस। ये एक वीआर बेस्ड ऐप है, आप इसे यूज कर सकते हैं अगर आपके पास ऑक्यूलर हेडसेट है तो। काफी अच्छा ऐप है, फिर कहा जा रहा है कि फेसबुक वीआर के ऊपर काफी काम करने जा तो रही है वैसे भी। और जो फेसबुक के सीईओ है उन्होंने कमेंट करा है कि हमारे जितने ऐप्स हैं अपडेट्स हैं वो सबके लिए, सारी कंट्रीज के लिए। एक्चुअली उन्होंने ये स्नैपचैट के सीईओ का पॉइंट आउट करके कहा है, क्योंकि उन्होंने कहा था इंडिया और स्पेन है गरीब देश जिस वजह से हम नहीं ला सकते सारे अपडेट्स। और जो दूसरा अपडेट वो आता है वो है स्वाइप की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, स्वाइप ने अपना नया फोन निकाला है जिसका नाम है लीड स्टार। थोड़ा अजीब नाम है क्योंकि सभी कंपनी ने अपने लीड के नाम पे बहुत सारे फोन निकाले हैं, और स्टार के नाम पे इसने दोनों को मिक्स करके लीड स्टार निकाल दिया है। ये ठीक फोन है वैसे तो, 4 इंच की डिस्प्ले है वो भी 480 की रेजोल्यूशन के साथ, और 3 GB की रोम है और 1 GB की रैम है। आप चाहें तो इसे यूज कर सकते हैं, लेकिन क्वाड कोर प्रोसेसर पे बेस्ड है। और 4G बस एक चीज में अच्छी की 4G वोल्टेज सपोर्ट करता है। अगर आपको सस्ता फोन चाहिए अगर आपको बैकअप के लिए तो आप इसे ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा अगर आप रुकना चाहते हैं रुक सकते हैं, क्योंकि जियो अपना एक नया फोन निकालेगा वो भी हो सकता है 1500 या 2000 में निकाल दो, वो भी 4G वोल्टेज सपोर्ट करता होगा। और यहाँ पे जो दूसरा अपडेट है वो है ई गेमिंग के लिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ई गेमिंग के लिए मतलब जैसे कंप्यूटर गेम्स के लिए शौकीन है तो आप इसे खेल सकते हैं और प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि अब आ रही है एशियन गेम्स में ई गेमिंग को शामिल करा जाएगा। और अगर क्या पता आप काउंटर स्ट्राइक खेलते खेलते आप जीत जाओ, काफ़ी अच्छा है। अगर एशियन गेम्स में आ रहा है तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में ओलंपिक में भी आ जाए, तो खेलते रहिए काउंटर स्ट्राइक, क्या पता गोल्ड मेडल ले आए आप भी। और यहाँ पे जो दूसरा अपडेट है वो है सैमसंग के लिए। जी हाँ दोस्तों, सैमसंग नोट 8 लॉन्च करने वाला है। कहा जा रहा है कि जो इसका डुअल कैमरा होगा, जो आईफोन 8 का डुअल कैमरा होगा, दोनों के बीच में टक्कर रहेगी। बस सैमसंग अपनी फ़ोन की बैटरी बचा के रखनी चाहिए, क्योंकि जितने भी उसके नोट के निकलते हैं फ़ोन, चाहे नोट 6 हो नोट 7 हो, जितने भी सबकी बैटरी तो फट जाती है। इसलिए इसमें थोड़ा बैटरी पे ध्यान देना चाहिए कि जितने नहीं बढ़ा दो भाई कि फट जाए फ़ोन की बैटरी। और यहाँ पे जो सैमसंग का दूसरा अपडेट है वो है S8 और S8 प्लस के लिए। जी हाँ दोस्तों, अभी इंडियन मार्केट में आज लॉन्च हुए हैं, और कहा जा रहा है कि 54,900 का ये एसेट है, और जो एसेट प्लस है वो है 64,900 का एसेट प्लस होगा। लेकिन कहा जा रहा है सैमसंग कंपनी एक्चुअली कह रही है कि आप इससे साथ लेके तो मत ही सोना, क्योंकि फटने का डर रहेगा, क्योंकि पता लगा सुबह उठे सारे में घर में धुआं धुआं हो रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है। और जैसे कोरियन मार्केट में एक्चुअली इसकी दिक्कत भी आ रही थी, इसमें कलर डिस्कलरेशन हो रहा था, रेड कलर की स्क्रीन हो जा रही थी बार बार, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा था। इंडियन मार्केट में तो अभी तक ऐसा नहीं सोचा है, लेकिन हाँ इंडियन मार्केट में ये मार्केटिंग में 5 मई से लॉन्च हो जाएगा, अभी तो ऑनलाइन मिल रहा है सैमसंग का S8 और S8 प्लस। काफ़ी ठीक फोन है वैसे तो, आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। हाँ थोड़ा कॉस्टली है, बट एक महीने बाद तो ये 20-30 हज़ार रुपये ये भी कम हो जाएगा। कोरियन मार्केट में एक्चुअली 30,000 या 40,000 के अराउंड हमारे को पड़ता है, तो टैक्सेस लग के तो इतना तो बनता है फोन का फिर कॉस्ट। तो आज के वीडियो में इतना ही, बेशक आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।